अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं एकदम जबरदस्त टमाटो केचप, और लिए हैं एकदम लाल वाला टमाटर जो मार्केट में बहुत ही सस्ता है, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है। अब ये लिए हैं, इसको अच्छे से हम धुल लिए हैं। धुलने के बाद इसको आधा आधा हम कट करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है, एक मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी और लाल गाढ़ा टमाटो केचप। ना केमिकल ना कोई कलर, मिनटों में तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी मिले बनेगा और मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। आप इसको ज़रूर बनाइएगा एक बार। ये देखिए, हम ऐसे ही सारा टमाटर कट करेंगे और उसके बाद हम दिखाते हैं फिर हम क्या सीक्रेट इसमें अब क्या क्या डालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और इसको आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए, और जब बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ कितना ज़बरदस्त है, और हम जो दिखाएंगे भी उसमें भी आपको ज़ाहिर हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। ये देखिए, हमारा सारा कट गया है बातों बातों में, ये देखिए टमाटर। अभी हम लेंगे स्टील की कढ़ाई, अब उसमें हम ये डाल देंगे सारा टमाटर। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए हम सारा टमाटर इसमें डाल दिए हैं, क्यों कटा हुआ टमाटर ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब इसमें देखिए कुछ ऐड करेंगे, इसमें हम 10 लहसुन डाले हैं, फिर थोड़ा से हम अदरक डाले हैं, फिर इसमें लौंग डाले हैं 5 से 6-10 दाना, काली मिर्च डाले हैं, फिर ये खड़ी लाल मिर्ची जाएगी, और फिर थोड़ा से पानी डाल के इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। बच्चे क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छा वाला हमको केचप चाहिए, मार्केट में जब लेते हैं अपनी पसंद का लेते हैं, बहुत ही ये टेस्टी बनने वाला है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसको चला के फिर इसको हमको ढक्कन लगा के रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है कि टमाटर अच्छे से गल गया है, थोड़ा से और हम टाइम देंगे गलने में, ये अच्छे से गल जाएगा, फिर इसके बाद हम बताते हैं क्या करना है आपको। ये देखिए थोड़ा से फिर हम चला लेंगे इसको, ये अभी थोड़ा से पानी है और थोड़ी देर के लिए इसको और हम रख देंगे। ये देखिए इसको 2 मिनट के लिए हम रख दिए, फिर उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा पानी सूख गया और इसको हम चला लेंगे। फिर इसमें जो खड़े मसाले हैं वो हम निकाल लेंगे चम्मच से, जैसे आप अभी देखेंगे हम निकाल लेंगे इसमें से। ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कलर है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, अभी और से अच्छा कलर आपको मिलेगा आगे। ये देखिए अब इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे, जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको। ये देखिए ठंडा हो गया है, फिर इसको हम जार में डाल देंगे। ये देखिए पूरा हम इसको डाल देंगे अच्छे से। ये देख रहे हैं ना, कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब इसको हम चला लेंगे, मेरा पीस क्या है ये देखिए, बहुत ही बारीक एकदम हम पीस लिए, देख रहे हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त पीसा हुआ। अब इसको हमें बहुत ही अच्छा बनाना है, और इसको हम लेंगे छलने, फिर एक बर्तन लेंगे उसमें अच्छे से हम इसको छान लेंगे। ये बहुत ही अच्छा पेस्ट देखिए बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए इसको छलने से ऐसे छान के पूरा निकाल लेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे, जो भी होगा इस छलने में आ जाए, क्योंकि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हम बारीक पीसे हैं। ये देखिए जो भी है थोड़ा से भी जो होगा आ जाएगा, ये देख रहे हैं जैसे आप। ये देखिए हमारा पूरा निकल चुका है, बहुत ही अच्छा निकला है, पेस्ट बना है, और ये हम रखे हैं पैन। अब ये सारा हम पैन में डाल देंगे और इसको हमें पकाना है लो फ्लेम पे, और इसको लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, हमें इसको स्टोर करना है, इसलिए हम इसमें जो पानी है इस टमाटर का हमें पूरा इसको ख़त्म करना है, इसीलिए हमारा स्टोर होगा। और इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे, इसमें है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालें 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच जाएगा नमक हमारा इसमें। ये देखिए इसको डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और इसमें फिर हम ऐड करेंगे 1 प्याली शक्कर ऐड करेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी।
इसको मिक्स करके रख देंगे थोड़ा ढक्कन डाल के, फिर थोड़ी देर पकने के लिए इसको हमें गाढ़ा करना है। ये देखिए आप इसे देख रहे हैं वीडियो में, क्योंकि हमें स्टोर करना है तो इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। और इसमें हम डालेंगे आधा कप सिरका, वाइट सिरका डालेंगे, क्योंकि ये डालने से एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा और उसके बाद ये प्रिजर्वेटिव का काम देगा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको पका लेंगे। हम इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जो बिगनर भी होगा, फर्स्ट टाइम बना रहा होगा, वो भी आसानी से बना लेगा, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। ये वीडियो पूरी देखेंगे तो ही अच्छे से बन पाएगी। ये देखिए अब इसको हम गाढ़े होने के लिए रख देते हैं, और हमको कैसे चेक करना है ये भी हम बताएंगे आपको आगे। ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखिए हमारा हो चुका है गाढ़ा। हम चेक करेंगे ये प्लेट में डाल के एक चम्मच, उसको ऐसे थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ये हमारा केचप नीचे जा रहा है, तो ये अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और हमको गाढ़ा रखना है, थोड़ी देर और पकाएंगे हम ये। फिर उसके बाद पकाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए हमारा पहले से गाढ़ा हो चुका है, एकदम अच्छे से हो चुका है, ये परफेक्ट तैयार है। अब बस अब फिर एक बार हम चेक करेंगे। ये देखिए थिकनेस अच्छी हो गई है केचप की। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडे होने पे हम निकाल लेंगे। और हम इसको पहले में देखिए निकाल लें, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ठंडे होने पर हम इसको जार में भर के रख लेंगे और इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।